नाज़रीन मोहतरम और हाज़रीन इनाम घर, अपने लफ्ज़ और जुमले उन लोगों के लिए कभी बर्बाद न कीजिए जो आपकी खामोशी के मुस्तहिक हैं। कभी कभार सबसे ताकतवर जुमला होता ही यही है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कुछ कहा जाए। बातें तो मेरे पास भी बहुत हैं, लेकिन छोड़ो यार, दीवारों के मुंह क्या लगे। बस कर मियां मोहम्मद बख्शा, मोड़ कलम द घोड़ा, सारी उम्र दुख नहीं मुकने, वर्का रह गया थोड़ा थोड़ा वर्का है। और फिर वैसे भी अली मोहम्मद साहब, जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ हुस्न व जमाल ही, यानी जो हुस्न व जमाल इंसान का होता है, कि इंसान सिर्फ हुस्न व जमाल ही में बेमिसाल और हसीन हो। बस औकात नज़रियात का हुस्न इतना मशहूर कुन होता है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है। मेरे नज़रियात का हुस्न, यानी मेरे यकीन व एतिकाद की क्या ही खूबसूरत आँखें हैं, और इस्तिकामत के जो अबरू हैं वो अहद की पेशानी से पेवस्ता हैं, और रुखसार पर सच्चाई की फैली हुई लाली और लबों पर हक गोई की गुलाबी रंगत ने मेरे शबाब में ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि आजकल तालिबान के रिश्ते आ रहे हैं। तालिबान के रिश्ते आ रहे हैं और मुझे सिर्फ नींद आ रही है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। और फिर नज़रियात के हुस्न पर तो बुढ़ापा आता ही नहीं है। अब अम्मी होती तो रिश्ता करती ना यार। कैसे कहूँ इन संदेशे भेजने वालों को कि पत्थरों से लपेट कर रिश्तों की अपीलें हमारे आंगन में न फेंको, हमारे यहाँ सांपों से शादी नहीं की जाती। और ये भी कह देना चाहता हूँ कि दीनदार कभी नहीं बनना, क्योंकि दीन से तुम्हारी मोहब्बत इसी तरह है जिस तरह दीमक की मोहब्बत लकड़ी से है। तो तुम दीमक हो दीन के लिए, जो आहिस्ता आहिस्ता दीन को खा रहे हैं। निशाने सजदा सजा सजा कर बहुत गुरूर न कर, वो नीयतों से नतीजे निकाल लेता है। वैसे बीवियां भी तालिबान की तरह ही होती हैं। ना तो उनसे कामयाब मजाकरात किए जा सकते हैं और ना ही उनके खिलाफ ऑपरेशन। खैर, शादी की बात चली है, मुझे शादी पर एक वाकया याद आया। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा कि आप शादी से पहले क्या करते थे। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, जो मेरा दिल करता था। वैसे आदतें नस्लों का पता देती हैं, वरना तो माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। नफरत ही तो है जिसे दुनिया चंद नमों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। बिजली का एक तसव्वुफ की बात है कि बिजली का करंट अगर आप हीटर में लगाएं तो गर्मी निकलेगी, और यही बिजली की तारें अगर एयर कंडीशन में लग जाएं तो सर्दी निकलेगी। करंट एक है, नतीजे दो, क्योंकि जर्फ तब्दील हो गया है। लिहाजा वलीउल्लाह में भी करंट होता है। हलाली सुने तो दिल ठंडा होता है, और डैश सुने तो दिल जल जाता है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। गर्मी शिद्दत नाकाम से जल जाते हैं, और जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। कुछ मेरे सुबह और शाम के काम से जल जाते हैं, मगर हम तो चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। माओ ने गोदों में लेकर पाला है हमें, हम वो बदनाम नहीं जो छुप छुपा के पहाड़ों में पल जाते हैं। और किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता
जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रोंद कर ऊंचे नहीं होते। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदि मत बनाइएगा। ये इंसान बड़ा ही खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी कोई भी अच्छाई उसे याद ही नहीं रहती, जो आजकल शायद आफरीदी के साथ हो। दरख्तों पर मैं तो, आप नौजवान नस्ल यहाँ पर मौजूद है, मैं तो कहूँगा कि दरख्तों पर महबूब का नाम लिखने के बजाय महबूब के नाम का दरख्त लगा दो, ज़्यादा अच्छा होगा। महबूब मिले ना मिले सवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी शाम है जहाँ दो घंटों के दौरान हम किसी की गीवत नहीं करते, किसी के खिलाफ साजिश नहीं करते, ऐप तलाश करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। इसीलिए यहाँ कुछ मिले या ना मिले इनाम ज़रूर मिलता है। और जहाँ इनाम मिलता है उसको कहते हैं इनाम घर। एक वक्फा और फिर कौन कहलाएगा फख्रे पाकिस्तान का झटका। एक वक्फा। इनाम घर का पहला सेगमेंट है कौन कहलाएगा फख्र पाकिस्तान, और इसके लिए आज यहाँ पर 5 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। ये 10,000 लोगों में मुंतखब होकर आए हैं, और उसमें से भी हमने बहुत चुना है। सवाल जवाब के बड़े सेशंस हुए उनके साथ, और आज यहाँ पर ये 5 मौजूद हैं। तो सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा तारुफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें गिरामी सैयदा सहर राजा। सैयदा से खयाबान शहर से तो नहीं आए आप? जी खयाबान शहर से आएंगे? नहीं नहीं खयाबान शहर से नहीं। आजकल वहीं जा रहे हैं लोग ज़्यादातर? बस अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, मगर आप शहर हैं? जी मैं शहर। शहर नहीं हैं आप? नहीं शहर नहीं हूँ, शहर हूँ। आप जादू हैं? मैं जादू हूँ। आप सुबह नहीं? सुबह। आप हम पर जादू करने आएंगे? नहीं नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, इरम असलम। इरम असलम, आप तो पिछले कई हफ्तों से यहाँ मौजूद है, नंबर नहीं आ रहा आपका। जी जी, हम इनाम घर का हिस्सा ही बन चुके हैं। जी जी बिल्कुल बन चुके हैं। आप इसी यहीं पर इसी कुर्सी पे एलफी लगा देते हैं, यहीं बैठे रहिएगा। बस हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह खुशियां बांटते रहें हम सब में। बड़ी नेक। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अतिया जमील। अतिया जमील, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इन सब में सबसे छोटी आप हैं? नहीं नहीं। अच्छा, बहुत बड़ी हैं सबसे आप? नहीं बड़ी भी नहीं हूं, लेकिन छोटी। जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। नाम? वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी बखैर? अब्दुल्ला अहमद शेख। अच्छा नहीं, मैंने पूछा मिजाज गिरामी बखैर। अच्छा मिजाज गिरामी, मैं समझे इसमें गिरामी। नहीं इसमें गिरामी पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा मिजाज, अच्छे मिजाज हैं आप? बिल्कुल। अच्छा आप सुनाएं। आपके खाने हैरत में कभी खुश रंग नखत वेज फूल के लिए? जी मैंने पूछा आपके खाने हैरत में कभी खुश रंग व नखत बेस फूल खिले हैं, जो तहजीबी मौजे बहार में बाद समूम की तरह अफकार जौलीदा आपके रुख में उतारे? बेटा कोशिश नहीं करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र मोहम्मद सईद। अच्छा जी आप भी ठीक हैं, खैरियत से? आप हमेशा माशाल्लाह मुस्कुराते हुए मिलते हैं, मुझे बस ये एक डर लगा रहता है आप इंतकाल में भी किसी के मुस्कुराते हुए कभी ना जाएं। हम आप 5 को एक मरतबा खुश आमदेद कहते हैं फिर, और हमारा पहला राउंड है आपको मालूम है आर या पार। 40 सेकंड आपको दिए जाएंगे, और स्क्रीन पर आपके सामने सवाल आएंगे, और सवाल है आपके सामने जो आएंगे उसमें ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत। जो ज़्यादा जवाब देगा और कम वक्त में देगा वो विनिंग सीट पर बैठने का हकदार होगा। तो क्या ख्याल है, शुरू करें आर या पार? आर या पार शुरू किया जाए। सवालात आ गए। दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई।
इंसानी दिल एक मिनट में औसतन 72 मरतबा धड़कता है। कलीमुल्ला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का लकब है। मुस्लिम ममालिक की तंजीम नेटो है और मंगला डैम दरियाए जेहलुम पर तामीर किया गया है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 सेकंड बाकी बचे हैं। दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई। इंसानी दिल एक मिनट में औसतन 72 मरतबा धड़कता है। कलीमुल्ला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का लकब है। मुस्लिम ममालिक की तंजीम नेटो है और मंगला डैम दरियाए जेहलुम पर तामीर किया गया है। सिर्फ आपके पास 5 सेकंड्स बाकी बचे हैं और जिसने पहले जवाब दे दिया 2-1 और बस। अब हम नतीजा देखेंगे। नतीजा दिखाया जाए। नतीजा क्या आया है? इरम असलम 5 जवाब दुरुस्त दिए और आज विनिंग सीट पर बैठने की सबसे पहले हकदार हैं इरम असलम। बहुत सारी तालियां। हमारे साथ इस वक्त विनिंग सीट पर मौजूद हैं और आपको हम सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं विनिंग सीट पर। थैंक यू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हाँ, इस नशे पर बैठ के कोई घबराहट तो नहीं हो रही? घबराहट तो हो रही है। ऐसी मुस्कुराहट वाली घबराहट तो बहुत कम देखी है। आपकी फैमिली आई है आपके साथ? मेरी अम्मी और मेरी बहनें आई हैं। अच्छा, अम्मी आई हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी अम्मी जान। वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपकी साहबजादी आज यहाँ जी? सबसे बड़ी साहबजादी है। सबसे बड़ी साहबजादी जी। तो इनसे आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? वो तो हैं जो बहुत जहीन भी हैं वैसे समझे आप या उनके ऊपर क्या करती हैं। माँ की दुआएं लेके आई हैं। और साथ कौन कौन बैठा है? मेरी बहन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सोबिया है। सोबिया हैं आप? अच्छा, आप इनसे कितनी छोटी? जी, मैं इनसे छोटी हूँ। नहीं, यकीनन छोटी। कितनी छोटी? टू इयर्स। अच्छा, तो शोहर नहीं आया आपके? वो आ नहीं सके, मेरे बच्चे भी नहीं आए आज इतने। अच्छा, बच्चों को संभाल रहे हैं घर में? नहीं बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो यूनिवर्सिटी से आज उनका। सिर्फ घर संभाल रहे हैं वो आज? नहीं, मेडिकल संभाल। अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं, काम कर रहे हैं ना ये तो, मैंने भी काम कर रहे हैं। और ये आपसे कितनी छोटी? ये सबसे छोटी? ये भी नहीं पता है आपसे कितनी छोटी? सेकंड लास्ट क्या होता है? मतलब कितनी बहनें हैं आप? 6 बहनें हैं माशाल्लाह से और एक भाई है। तो मुझे पता चले ना, मैं 6 हैं तो उसमें सेकंड लास्ट में दर्ज करूंगा। 6 रहमत हैं आपके घर में। जिसके घर में 6 रहमत हैं उस घर का क्या आलम होगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस घर में बेटियाँ हों वो उस घर से अच्छा घर कौन सा हो सकता है कि जहाँ बेटियों की आवाज़ नहीं। बिल्कुल। इरम असलम साहिबा, पहले हमने आपको एक छोटा सा पैकेज बनाया है, सबको दिखाते हैं जो यहाँ पर हाजिर मौजूद हैं और नाजीन जो इस वक्त हमें करोड़ों की तादाद में देख रहे हैं वो भी ज़रा देखें कि इरम असलम कौन है। जी, मेरा नाम इरम असलम है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने इंटर किया है, तालीम के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी जिसकी वजह से मैंने सिर्फ इंटर ही मैं कर पाई और मेरी तालीम जो है वो अधूरी रह गई। तो मैं वैसे नहीं पढ़ पाई तो मैं बुक्स के जरिए अपना ये शौक पूरा कर लेती थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनकी फार्मेसी है। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं जिसमें पहला मेरे बेटे हैं और इसके बाद 2 मेरी बेटियां हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। इरम जो है वो सुबह उठकर जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर खाना वगैरह पकाती हैं, उसके बाद घर में कोई मसले होते हैं तो उसमें सबसे आगे होती हैं। मेरा डेली रूटीन ये है कि सुबह उठें, बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, फिर मेरे हस्बैंड और बेटे जाते हैं, इसके बाद जो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैं जो है ना बुक्स पढ़ती हूँ। किताबें पढ़ने का शौक़ हमारे अब्बू जो हैं वो डाइजेस्ट पढ़ते थे तो मुझे अब्बू को देख के ही होता था कि अब्बू ये पढ़ते हैं मैं भी पढ़ूँ। तो कहानियाँ पढ़ के जो है बच्चों की, तो मुझे लिखने का शौक़ हुआ। कभी कभी छोटे छोटे से शेर आ जाते हैं जहन में जो खुद से बना लेती हूँ मैं लिखने के शौक़ में। इंसान हुए हैं पत्ते कैसे बिखर रहे हैं, इंसान हुए हैं पत्ते कैसे बिखर रहे हैं, हमें लोग मिल रहे हैं चेहरे बदल बदल के। ये गई थी अपनी बहन के साथ लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये कभी एडमिशन हो जाएगा और ये पास हो गई। इनाम घर से रिलेटेड बहुत सारी एक्साइटमेंट है क्योंकि पता नहीं था कि मामा एकदम से सिलेक्ट हो जाएंगी और हॉट सीट के लिए होंगी। तो मैंने तो मामा से पहले ही कह दिया कि अगर आपने लैपटॉप जीता तो मैं ही लूंगी। अगर इनाम घर में जीतती हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटियों की तालीम के लिए, क्योंकि मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँ। मैं यहाँ तक ना भी पहुँच पाई
तो मेरे लिए ये 4 बुक्स 4.5 करोड़ से ज्यादा अहमियत रखती हैं, तो ये इनाम मेरे ख्याल से सबसे बढ़कर है। मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ही इनाम घर से जीतता है। जो हमें डॉक्टर साहब देंगे इस प्रोग्राम के तहत, इनाम घर के प्रोग्राम के तहत जो हमें मिलेगा, तो मेरे ख्याल से तालीम से बढ़ के कोई इनाम नहीं। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनकी दुआएं भी, और जो देख रहे हैं हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि आप आज यहाँ से ज़्यादा जीत कर जाएं। बल्कि हमारी ख्वाहिश होगी कि आज आप 2 करोड़ रुपए का घर लेके जाएं। हम आपको बता दें हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। ये 3 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर एक एक पड़ाव है। तो पहली मंजिल में 3 सवाल हैं और हर मंजिल पर आपको एक नॉक नॉक मिलेगी, यानी यहाँ ये दरवाज़ा है जिसे आप खटखटाएंगे और नॉक नॉक में ये 3 आपके पास ऑप्शंस होंगे। या तो रहनुमाई कीजिए, आपको हिंट्स देगा ताकि आप जवाब तक पहुँच जाएँ। सवाल बदल दीजिए, आप अपनी पसंद का शोभा चूज कर सकती हैं और वोट का सही हक इस्तेमाल कीजिए। ये 3 हमारे नॉक नॉक हैं, अपने वोट का सही हक इस्तेमाल कीजिए, सवाल बदल दीजिए और रहनुमाई कीजिए। ये दरवाज़ों में क्या है हमें अभी नहीं पता, किस दरवाजे में पहली मंजिल पर क्या है, लेकिन पहली मंजिल में 3 सवाल हैं। अगर आप पहला सवाल का जवाब दुरुस्त देती हैं तो तलो की तरफ से 20,000 रुपये का सेल फोन, उसके बाद तलो की तरफ से 25,000 रुपये कैश, फिर तलो की तरफ से 70 cc की बाइक। अगली मंजिल में आप तलो की तरफ से 50,000 रुपये का लैपटॉप जीतेंगी, उसके बाद तलो की तरफ से ही 70 cc की फिर एक और बाइक आप जीतेंगी, और तलो की तरफ से आप 1,00,000 रुपये कैश जीत जाएंगी। और फिर अगर आप आगे बढ़ती हैं तो इसी मंजिल का आखिरी सवाल होगा जो कि पहल का है, जिसमें आप 3.5 लाख रुपये के उनके अप्लाइंसेस जीत सकेंगे। और आखिर में 5 सवालों की आखिरी मंजिल है जिसमें आप FAW की तरफ से 800 cc की कार जीत सकती हैं, पुलानी ट्रेवल्स की तरफ से 8.8 लाख रुपये के हज पैकेज 2 अफराद के लिए वो जीत सकती हैं, FAW की तरफ से 1000 cc की कार जीत सकती हैं, अलमास ज्वेलर्स की तरफ से जो सामने इस वक्त आपको शोकेस में 50 लाख रुपये की ज्वेलरी है आप ये जीत सकती हैं, और आखिर में आप ये मकान जीत सकती हैं जो स्क्रीन पर आ रहा है, स्टार मार्केटिंग की तरफ से 2 करोड़ रुपए मालियत का मकान दिखाया जाए। ये फर्निश्ड मकान है, अपार्टमेंट नहीं है बल्कि बाकायदा मकान है, फर्निश्ड है, इसमें हर चीज मौजूद है पहले से, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 12 सवालों के जवाब आते हैं। तो अगर आप परेशान नहीं हैं तो हम शुरू करें। ठीक है, आप लोगों की इजाजत है तो फिर कौन कहलाएगा फख्र पाकिस्तान? इरम असलम हमारे सामने मौजूद है, सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर तलो की जानिब से। पहला सवाल ये, ₹20,000 के सेल फोन के लिए तलो की तरफ से सवाल है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ मबऊस किया गया था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम, अलिफ कौम समूत, बे कौम सबा, जीम कौम आद, या दाल कौम लूत। बहुत सोच के जवाब देना है आपने, समझ के। जीम कौम आद। जीम कौम आद। जीम कौम आद, पूरा यकीन है आपको? जी। किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं? नहीं। इंतहाई एतमाद के साथ आपने जवाब दिया, इंशाअल्लाह। वेरी क्विक आंसर, सेफ कर लो इसे, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होगी। जीम कौम आद को सेफ किया जाए, ₹20,000 का सेल फोन आपने जीत लिया है। कौम समूत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, और कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम कौम समूत थी, और उन्होंने मौजज़ा जब तलब किया था तो पहाड़ शक हुआ था, एक ऊँटनी निकली थी और फिर ऊँटनी ने बच्चा दिया था। और ये जो कौम आद थी ये भी बड़े ताकतवर लोग थे, और ये पहाड़ों में घर बना के रहते थे, और बड़ी तेज़ हवा और आंधी चली थी जिसका कुरान में जिक्र है, और फिर ये लोग तबाह और बर्बाद हो गए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है, 25,000 रुपये आपको कैश दिला सकता है, अभी तक आपने नॉक नॉक इस्तेमाल नहीं की है। 25,000 रुपये कैश के लिए तलो की तरफ से अगला सवाल
आ रहा है इरम असलम आपकी स्क्रीन पर, कौन कहलाएगा फख्र पाकिस्तान के लिए ये। बुद्ध मत में तर्क दुनिया करने वाले अफराद क्या कहलाते हैं? बुद्ध मत में तर्क दुनिया करने वाले अफराद क्या कहलाते हैं? बहुत आसान जवाब है इसका, अलिफ मलंग, बे भिक्षु, जीम भक्ति या दाल साधु। बे भिक्षु। भिक्षु। वैसे गलतुल आम ये भिक्षु है लेकिन सही है ये भिक्षु। बे भिक्षु को हम सेव कर लें। मलंग पर आपकी तवज्जो नहीं जा रही, भक्ति भी नहीं जा रही, और साधु, साधु हिंदुओं में होते हैं, साधु हिंदुओं में होते हैं, हिंदुओं में भक्त भी होते हैं। जी भक्त भी होते हैं, भक्ति भी होते हैं। भक्ति किस्मत को कहते हैं जी, और भगत जो होते हैं वो। मलंग की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, भिक्षु आप कह रही कि सेफ करें जी, बे भिक्षु को सेव किया जाए। ₹25,000 दलों की तरफ से कैश आपको जीती है, गोया अब तक आप ₹45,000 जीत चुके हैं। और अब हम इस मंजिल के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल आपको 70cc की बाइक दिला देगा। पहली मंजिल का आखिरी सवाल, इरम असलम कौन कहलाएगा फख्र पाकिस्तान की स्क्रीन पर, आ रहा है आपके लिए ये। तलों की तरफ से 70cc की बाइक सुर्ख गर्म लोहे पर से भाप को गुजारा जाए तो क्या नतीजा आता है? अलिफ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन पैदा होती है, बे फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन पैदा होती है, जीम नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फेट बनता है, या दाल पोटेशियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन पैदा होती है। आपके पास नॉक नॉक मौजूद है, और अगर ज़रा भी परेशानी है तो वैसे भी अगर आपने नॉक नॉक इस्तेमाल नहीं की तो ये अगले मरहले में आपके पास नहीं होगी, यानी अगले मंजिल की नॉक नॉक अलग है। आप चाहे तो नॉक नॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉक नॉक कौन सी वाली, दरमियान वाली, दाएं वाली या बाएं वाली? आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है दरमियान वाली। दरमियान वाली, दरमियान वाली नॉक नॉक खटखटाई जाए, दरमियान वाला दरवाज़ा खटखटाया गया है, ताले खुल गए हैं, और अब हमें देखना है कि दरवाज़ा जब खुलेगा तो स्क्रीन पर क्या नजर आएगा। बराए मेहरबानी अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। ऑडियंस कीपैड्स अपने हाथ में ले लीजिए और इरम असलम की मदद कीजिए। सुर्ख गर्म लोहे पर से भाप को गुजारा जाए तो क्या नतीजा आता है? अलिफ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन पैदा होती है, बे फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन पैदा होती है, जीम नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फेट बनता है, या दाल पोटेशियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन पैदा होती है। आपके वोट का सही इस्तेमाल इरम असलम को पहली मंजिल से गुजार सकता है। अली मोहम्मद साहब, आपने सबसे आज गुफ्तगू की होगी तो आज कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? इम्कानात हैं, काफ़ी इम्कानात हैं आगे बढ़ने। इरम असलम के बारे में क्या कहेंगे? इरम असलम के बारे में ये कि ज़्यादा लंबा नज़र नहीं आता मुझे खेलते हुए। मतलब पहले ही आपने उनका दिल तोड़ दिया? नहीं, मैं तो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ डॉक्टर साहब, आप जानते हैं। वलीमा हो गया आपको? जी वलीमा हो गया आपको? वलीमा सर, अल्लाह करे आप दुआ करें। माशाल्लाह, अभी बेगम नहीं देख रहा हूँ, देख रही हूँ शायद, अल्लाह करे हो जाए तो फिर अच्छी बात है। बेगम देख रही हूँ और अभी तक वलीमा नहीं हुआ? नहीं देख रही हूँ, दोबारा हो जाए। दोबारा हो जाए, दूसरा हो जाए। बड़ी नन्नी नन्नी ख्वाहिश है आप। वोट का रिजल्ट आने वाला है। ऑडियंस कहते हैं 5% अलिफ, 70% बे, 10% जीम और 15% दाल। आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? जी, ऑडियंस के साथ। बे को सेफ कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ लेना होगा एक वक्फा। बराए मेहरबानी वक्फा ले लीजिए।
डॉक्टर साहब वक्फे पे चल रहे हैं, बहुत अरसे से और कुछ काम ही नहीं किया सिवाय वक्फे के। जी वक्फा ले लिया मैंने। इनाम घर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी ऑडियंस मौजूद हैं। अभी नारे लगाएंगे, अपने दर लगाना भाई नारे। मुझे लगता है कि मुझे ऊपर आकर आपको काफ़ी आज इनामात देने पड़ेंगे। तो इन्होंने बे को सेफ करवाया और आपने बे को सेफ कर लिया था जी। तो अब देखना यह है कि ऑडियंस ने आपको जिताया या इस सीट से हटाया, नतीजा दिखाया जाए। ऑडियंस बिल्कुल दुरुस्त है और आपने 70 cc की बाइक जीती। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी साहबजादी ने अब तक माशाल्लाह 20,000 रुपये का सेलफोन जीता है, 25,000 रुपये कैश जीते हैं और करीबन 55,000 रुपये की बाइक जीती है। गोया 1,00,000 रुपये इन्होंने जीत लिए। बचपन से है ना बड़े हुए जब सलीका सिलाई मशीन चलानी आती है आपको? हाँ नहीं। सिंगर आती है? सिंगर पहले मिला करती थी तारिक अजीज साहब के जमाने में। सिलाई नहीं की आपने? इन लोगों को तो सिखाई होगी सिलाई कढ़ाई। इनको नहीं आती। मुझे नहीं आती। आपको आती है? नहीं मुझे आती नहीं आती। चले दूसरी मंजिल की तरफ चलते हैं और दूसरी मंजिल का पहला सवाल हम आपसे करने के लिए जा रहे हैं। ये आपको 50,000 रुपये का लैपटॉप दिलाएगा। पहला सवाल तलो की तरफ से 50,000 का लैपटॉप आपको मिल सकता है। कौन कहलाएगा फख्रे पाकिस्तान की स्क्रीन पर? इरम असलम आ रहा है आपके सामने। ये बलीगुल अर्द किस सहाबी रसूल का लकब है? बलीगुल अर्द यानी जमीन पर फसाहत व बलागत वाले। अलिफ हजरत खुबैब रदियल्लाहु तआला अन्हु, बे हजरत आसिम बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु, जीम हजरत काब बिन जैद रदियल्लाहु तआला अन्हु, या दाल हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु तआला अन्हु। बलीगुल अर्द। और आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि काफ़ी सवाल इस्लामी आ गए हैं, हालांकि इतने नहीं आते हैं। शुरू में आपको पहले भी मिला और अभी फिर मिल गया। और इतनी पास से मेरे सवाल की नज़र से नहीं गुजरा। ये सवाल आपकी नज़र से गुजरा? नज़र से नहीं गुजरा। नहीं गुजरा? नहीं गुजरा। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगी? नॉक नॉक, क्योंकि 50,000 रुपये का लैपटॉप आपको मिल सकता है। नॉक नॉक। कौन सा, दायां बायां? बायां। बायां दरवाज़ा खटखटाया जाए। ताले खुल गए हैं और ये दरवाज़ा स्क्रीन पर आएगा। अपनी भरपूर रोशनी के बाद ये दरवाज़ा खुल जाए। बराए मेहरबानी सवाल बदल दीजिए। सवाल बदल दीजिए। अब स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शंस आएंगे और आपने मुझे बताना है कि मैं किस शोबे से आपसे सवाल करूँ। इस्लाम, पाकिस्तान, साइंस, स्पोर्ट्स, जोग्राफिया या आलमी मालूमात? इस्लाम। इस्लाम। इस्लाम का शोबा इन्होंने मुंतखब किया है, इसको महफूज कर लीजिए। आपने जब सब पढ़ा तो ये बलीगुल अर्द इसका सही जवाब आपके पास क्यों नहीं था? ये मेरी नज़र से नहीं, इत्तेफाक ऐसे कि मैं नज़र। वैसे अगर आपको जवाब देती तो क्या देती? जीम देती। हज़रत साद बिन मास, काब बिन ज़ैद जो है ना, साद बिन मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है ना, काब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बलीगुल अर्द ये शहीद कर दिए गए थे। और इस्लाम से जो सवाल आपके लिए मुंतखब किया गया है वो इरम असलम आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये
بہت آسان سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کس صحابی نے فرمایا تھا؟ 50,000 روپے کا لیپ ٹاپ آپ کو مل سکتا ہے. الف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جیم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، یا دال حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. بے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شورا قائم کی تھی، مجلس شورا، اور شورا کے کچھ اراکین تھے، اور پہلے تو چونکہ نامنیٹ کر دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس سے پہلے آپ نے ایک مجلس شورا قائم کر دی تھی جو بڑے جیت صحابہ کرام پر مشتمل تھی، جنہیں کبار صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شامل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل تھے. لیکن انہی میں سے کسی ایک نے اعلان کیا تھا اور آپ نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے اونٹوں کی دھمک اتنی تھی کہ جب یہ مکے سے مدینہ آتے تھے تو رسول اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف آ گئے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سارے اونٹ ہوا کرتے تھے. اور سب سے پہلے جب حرمت شراب کا حکم آیا ہے تو مٹکے جو توڑے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑے ہیں. السابقون اور الاولون میں بھی شامل ہیں، آپ نے بے کو سیف کر لیا ہے. دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف درست جواب ہے کہ نہیں. پچاس ہزار روپے کا لیپ ٹاپ آپ نے جیت لیا ہے. تھوڑی میری معلومات کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. آپ کی معلومات واقعی بہت زیادہ، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. بہت جید صحابی ہیں، ان کے بارے میں جتنا ذکر کیا جائے، اور ان پر سب سے اہم ترین بات اس خلافت کی یہ ہے کہ دونوں نے فیصلہ ان پہ چھوڑ دیا تھا. آخر میں دو رہ گئے تھے، یعنی حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہم. تو انہوں نے کہا تھا آپ جو فیصلہ کریں، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا تھا جو میں کہوں گا تم مانو گے؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا آپ کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ اور پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نام کا اعلان کیا. اور اب ہم پھر بڑھتے ہیں 70cc کی بائک کی طرف. یہ اگر آپ نے جیت لی تو پھر آپ قریباً 2,00,000 روپے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور 70cc کی بائک کے لیے آپ کے پاس اب کوئی نوک نوک نہیں ہے. سوال آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر، یہ کانکویسٹ آف ہیپینس کس کی تصنیف ہے؟ 70cc کی بائک تلو کی طرف سے آپ کو ملے گی. الف جارج برنارڈ شا، بے برٹن رسل، جیم لیو ٹیلسٹائی، یا دال اگاتھا کرسٹی. بے برٹن رسل. برٹن رسل، بڑی جلدی جواب دیا آپ، مجھے بہت سرپرائز کیا ہے، میں بہت حیران ہوں. اٹس اے سرپرائز. برٹن رسل پکی بات ہے. 1876 میں ان کی ولادت ہوئی تھی برٹن رسل کی، اور 1907 میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. '67 میں ان کی آپ بیتی شائع ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسی آپ بیتی تھی جس کا شمار دنیا کی مشہور ترین آپ بیتیوں میں ہوتا ہے. فلاسفی از دی مدر آف دی آل سائنسز، اور برٹن رسل اس پر بڑا اعتماد رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے. آخری وقت تک برٹن رسل کا قلم چلتا رہا. برٹن رسل کو سیف کیا جائے. بے آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ برٹن رسل ہی ہیں؟ یقین تو ہے، ہم دیکھیں آگے. برٹن رسل یورپ کے بڑے معروف محقق بھی تھے. جی
मुफक्किर थे, अल्लामा इकबाल भी इनसे बड़े मुतासिर हैं जी, और इनको एक माँ की सजा भी हुई थी जी, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हिमायत करने, बिल्कुल हुई थी, यकीनन हुई थी, सही फरमाया आपने। तो देखें कि बटन रसल सही है, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया है और मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस जाएंगी, लेकिन आपने तो बर्ट एंड रसल को, यानी आपको ये पता है कि उनको सज़ा भी हुई थी, तो अब हम आगे बढ़ें, तो परेशान ना हो बिल्कुल, आप बहुत उम्दा जा रही हैं माशाल्लाह, हमें यकीन है कि आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको तलो की तरफ से 1,00,000 रुपये कैश मिलेगा, ₹1,00,000 कैश के लिए तलो की तरफ से इरम असलम, कौन कहलाएगा फख्र पाकिस्तान, स्क्रीन पर सवाल आ रहा है आपकी, ये इनमें से किस कैलेंडर को साकाइरा के नाम से जाना जाता है, अलिफ इब्रानी कैलेंडर, बे चीनी कैलेंडर, जी जापानी कैलेंडर, ददाल हिंदी कैलेंडर, सोचिए, सोच के जवाब दें, 1,00,000 रुपए कैश आपको मिल जाएंगे और इस 1,00,000 रुपए कैश के बाद आप बड़ी तेजी के साथ बड़े इनाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे आइडिया नहीं है, नॉक नॉक आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, नॉक नॉक इस्तेमाल कर और कोई ना कोई जवाब आपको जरूर देना है। बे का इशारा बहन कह रही है, बे बहन की तरफ जाएंगे, मुझे जापानी कैलेंडर लग रहा है, मगर बहन कहती है बे, आप मदद कर सकती हैं अपनी बहन की, कोई घबराने की बात नहीं, जो आपकी मर्जी हो, आप वो फैसला पहले कंफ्यूज करती हो उसके बाद कहती हो फिर जो आपका फैसला, बे लग रहा है मुझे, चीनी, और अगर मैं कहूँ थोड़ी सी मदद करते हुए कि ना चीनी है ना जापानी, तो फिर इब्रानी, ये तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो ऐसे ही कहा है, हो सकता है चीनी जापानी भी हो, इब्रानी को सेफ कर दें, इब्रानी एक दफा फिर सोच लें आप, क्योंकि मैं जब सेफ हो गया तो सेफ हो गया। अम्मी क्या कह रही है, अम्मी से पूछे, अम्मी शायद दाल कह रही है मुझे लग रहा है, अलिफ कह रही है, अम्मी अलिफ कह रही है, अम्मी अलिफ कह रही है, बे बहन कह रही है, और आप, जब मैं कंफर्म नहीं हूँ तो फिर मैं गलत डिसीजन नहीं दूंगी कि ये गलत डिसीजन ले, बड़ी अच्छी बात की वैसे आप, यहाँ तो लोग कन्फर्म नहीं है फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, लेकिन ये वायरल आप कह रही हैं, तो अम्मी ने तो अलिफ कहा है, तो आप जब मुश्किल में फंसता है ना इंसान तो फिर माँ को याद करता है, माँ को अल्लाह को याद करता है, माँ को याद करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ी इंसान को अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए, इस वक्त आपको नीडो दूध नहीं पिला रही है, तो इनकी तरफ आपने देखना है, ना आपको ये खाना परोस रही है, ना आपके लिए ये कोई भिंडी गोश्त बना के लाई है, ना दस्तरखान बिछाया है, माँ की तरफ आप जरूर देखें लेकिन थोड़ा स्क्रीन की तरफ भी तवज्जो दें, इब्रानी अलिफ इब्रानी कैलेंडर को सेफ किया जाए, सही जवाब है, मुझे जो पता है वो है हिंदी कैलेंडर, मैं आपको इशारा दे रहा था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, आप लोग सब गवाए, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जो इनाम आपको जीते, और इसके साथ साथ इरम असलम साहिबा ये इनाम घर का सर्टिफिकेट है जो सोने के पानी से लिखा हुआ है, ये आपके साथ जाएगा, ये तमाम इनामों से बढ़कर है हमारे लिए, क्योंकि हमने यहाँ तक आने का सोचा भी नहीं था, लेकिन ये आपने दिया तो ये सबसे बढ़कर इनाम है हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरम असलम साहिबा के लिए, बहुत सारी तालियां। अब हम जो सेकेंड पोजिशन पर आए होंगे उनको यहाँ विनिंग सीट पर बुलाएंगे, हम रिजल्ट दोबारा देखते हैं, और अब हैं अतिया जमील, अतिया जमील के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, डॉक्टर साहब अब
बस कीजिए, आपके सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, बराए मेहरबानी वक्फा ले लीजिए। मेरा दोबारा कहिए। डॉक्टर साहब अब बस कीजिए, आपके सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है, बराए मेहरबानी वक्फा ले लीजिए। खूबसूरत बस के बाद भी अगर कोई बस न करे तो और क्या करे, अगर मेरा बस चलता तो मैं ये बस जरूर ढूंढता कि ये बस है कहाँ। आपसे फिर मुलाकात होगी। एक मरतबा फिर आपको इनाम घर में खुश आमदेद कहते हैं और हमारे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर मुजना इब्राहिम। Assalamualaikum everybody. सबसे पहले तो इरम असलम को बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा जी, जी, खेला बहुत उन्होंने। अच्छा, बस अगर मेरी बात मान लेती थोड़ा मैं दाल के करीब ले जाना चाह रहा था। समझने की बात होती जो सबलिमिनल हिंट्स होते हैं ना, आपकी समझ हम तो उनको नसीहतें कर रही हैं, आपकी समझ में आया था क्या था दाल? अच्छा बताओ, चलो हम तो गूगल पे बैठे दाल क्या था, दाल दाल बताओ, दाल कौन सा कैलेंडर था? हिंदी इंडियन कैलेंडर करेक्ट है ना? तुम देख रही थी बैठी हुआ डॉक्टर साहब, मतलब इतना। अच्छा, हिंदी कैलेंडर का क्या नाम था वो? साका एरा सही है? Was the answer correct or not, doc? जंग पजल के लिए हमारे साथ इस वक्त तीन टीमें मौजूद हैं, ये भी मुंतखब होकर आए हैं और ऑडिशंस जब हुए थे तो तीन फैमिलीज अलग अलग मुंतखब की गई थी। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं सूफिया तालिब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सूफिया जी, आप किसके साथ आई हैं आज? मेरे बेटे। बेटे और हस्बैंड, नाम है हस्बैंड से ज्यादा इनके बॉडी गार्ड लग रहे हैं और मूछे भी, वाह वाह। जी जी जी, क्या मूछे हो तो तालिब शाह जैसी हो, वरना ना हो। अच्छा हाँ, ना हो आप तालिब शाह हैं, सही है, बिल्कुल सही है। नाम आपके साहबजादे हैं माशाल्लाह, क्या नाम बेटा आपका? शाहनूर तालिब तालिब भाई, शाहनूर साहब और सूफिया साहिबा, बहुत बहुत आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। और दूसरी टीम है, तीनों बहनें लग रही हैं मुझे। अच्छा, फातिमा रहमान जी, ये बड़ी ही हो सकती है, अब छोटी नहीं हो सकती है, तो इनको माइक तो दें आप, इनसे हम बात करें। तो आप बड़ी बहन है जी, जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर फरजाना जफर। तो आप किस डॉक्टर हैं? आप होम्योपैथ हैं या आप क्या है? अच्छा माशाल्लाह, हमारा सब्जेक्ट आ गया, मतलब हम लोग डॉक्टर जब बने। अच्छा तो आपके प्रोग्राम में पहले भी आई थी डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा माइक करीब कर लीजिए। कब, किस जमाने में आई थी? मैं तो काइम अली शाह के जमाने से प्रोग्राम कर रहा हूँ। अभी 2015 में ही आई थी मैं, 23 जनवरी को। अच्छा, डेट भी याद है, मतलब आप 23 जनवरी। हाँ वाह। आप इनके साथ मौजूद हैं एहसन तनवीर, आप एहसन तनवीर? अच्छा, और आप वालिद ग्रामी ना, माइक दीजिएगा, आपका नाम क्या है? तनवीर जफर। तनवीर जफर साहब, इरम तनवीर, और ये नन्नी सी शहजादी अबीरा। माशाल्लाह, इरम जी आप अपना बैग छोड़ दे सकती हैं यहाँ पे टेबल पे, आराम से पढ़ सकती हैं। असल एम के यही है माइकल कोर्स, बाकी जितने एम के हैं वो सब गलत है, असल एम के ये है, हमें तो यही एम के पसंद है, आप समझ रही हैं ना? बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। नहीं, आपको एम के समझ में नहीं आ रहा, तो जिसको अभी तक एम के समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खैर, चले जी अब हम चलते हैं जंग पजल की तरफ, और जंग पजल में आप तीनों टीमों के लिए तीन तीन सवाल होंगे, और अगर आपने सही जवाब दिए तो ये जो सामने ब्रीफ केस लगे हैं, इन ब्रीफ केसेस में सोना भी है, हीरे भी हैं, 5 लाख रुपए भी हैं, 1 लाख रुपए भी हैं, कुछ भी नहीं है, 5,000 रुपए भी हैं, और लैपटॉप भी मौजूद है, मोटरसाइकिल भी मौजूद है, कुछ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लीजिएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, जंग पजल के लिए पहला सवाल आ रहा है सूफिया तालिब साहिबा आपकी टीम के लिए, और सवाल ये, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि माँ बाप की डैश खिदमत करोगे उसका वैसे ही फल दुनिया और आखिरत दोनों में जरूर पाओगे। अलिफ जितनी, बे जैसी। बहुत सोच समझ के जवाब देना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है।
ट्रिकी तो नहीं, तो बहुत आसान है डॉ जी। बे बे जैसी को बंद कर दीजिए और साथ साथ ऑडियंस भी जरा जवाब देंगे। और वोट का हक मिला है जितनी को या जैसी 67%। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि वैसा जहां पर आया है तो जैसी ही होगी, तो आपने शायद वैसा समझ के जैसी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड आंसर तालिब साहब। आप इस काबिल हैं कि आप बॉडीगार्ड हैं। और अब फातिमा रहमान साहिबा की टीम के लिए जंग फसल का पहला क्वेश्चन। देश के टिप टॉप और सफाई सुथराई रूह की गंदगी को भला कहां तक छुपा सकती है? अलिफ जाहिर, बे बाहिर। टॉप डैश की है टिप टॉप, ये मुश्किल है। डैश, हाँ डैश वाकई बहुत मुश्किल होता है। जल्दी इसमें इतना नहीं सोचना पड़ता। जाहिर जाहिर, अलिफ जाहिर को बंद किया जाए स्टूडेंट्स, और आप लोग अपने कीपैड इस्तेमाल करें जल्दी से, गले में ऐसे लटकाए बैठी जैसे हार पहनाए हैं। हाँ जी जल्दी से, शाबाश। ओके वोट्स आर इन, इन इनकमिंग। 55% ने कहा है जाहिर और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जो बाहर है वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जो टिप टॉप है ना, ये जो मेकअप शेकअप होता है ये जाहिर में होता है। हाँ देखो कैसे जाहिर, कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, मैं ऊपर ही नहीं आ पा रहा हूं। अब आपकी तरफ आ रहे हैं, मुकाबला सख्त हो गया है, आपको जवाब देना होगा। मुकाबला बहुत सख्त है। एहसन तनवीर, सवाल आ रहा है जंग पजल के लिए आपकी स्क्रीन पर। हमारे यहां मोबाइल फोन आने से पहले किसी डैश खबर की फौरी इत्तला तार के जरिए देना आम रिवाज था। किसी डैश खबर, बुरी या बड़ी? सोच समझ के बुरी। मोबाइल फोन आने से पहले, मोबाइल फोन आने से पहले किसी डैश खबर की फौरी इत्तला तार के जरिए बुरी। अलिफ बुरी को बंद किया जाए। और ऑडियंस, I don't think so. मुझे नहीं लगता कि मोबाइल से सिर्फ बुरी खबर ही दी जाती है। मुझे लगता है बड़ी खबर। Yes! कहा था सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बेटा मोबाइल फोन पे सिर्फ बुरी खबर ही दी जाती है। कोई भी खबर हो, जब आपकी शादी होगी उसकी इत्तला जो उस लड़की से, जब आपका कहीं रिश्ता विश्ता होगा तो अम्मी अगर मोबाइल फोन पर SMS के जरिए खाला वालों को बताएंगी तो ये बुरी खबर होगी। ये बड़ी खबर होगी कि आपकी शादी तय पाई है और ये वाकई बहुत बड़ी खबर होगी। इसका आपको अंदाजा नहीं, मैं थोड़ा उधर खड़ा हूं। ये जब आपकी शादी होगी ये वाकई बड़ी खबर होगी। डॉक्टर साहब लाल टमाटर हो चुका है बेचारा। अच्छा जी, बॉडीगार्ड की टीम की तरफ बढ़ते और दूसरा सवाल। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश की बीवी को बहकाएगा क्या उसकी अपनी बीवी पास रह सकेगी? क्या सवाल है, लेकिन इसके इसको बोलने का तरीका सीखे है। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देश की बीवी को बहकाएगा क्या उसकी अपनी बीवी पार्षद रह सकेगी? कैसा सवाल है ये? अलिफ दूसरों, बे दोस्तों। दूसरों या दोस्तों? बॉडीगार्ड दोस्तों। दोस्तों तुम सही आदमी नहीं हो। देश की बीवी को बहकाएगा क्या उसकी अपनी बीवी पार्षद रह सकेगी? जो दोस्तों की आप कहते हैं बे दोस्तों, बे को बंद कर दो और आप लोग शुरू हो जाए। जवाब बिल्कुल गलत है आपका और ऑडियंस ने सही जवाब दिया है। अब आप लूज कर गए एक जवाब, ठीक है जी। और अब आते हैं डॉक्टर साहिबा की टीम की तरफ जो कि फातिमा रहमान की टीम है एक्चुअली। और जंग पजल पर यह आ रहा है सवाल। देश के बगैर मशरकी दुल्हन का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अलिफ हया, बे हिना। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। द ब्राइड ऑफ द ईस्ट, हया द ब्राइड ऑफ द ईस्ट, इसका मतलब है कि आप हया को बंद करना चाह रही हैं।
सोच लो हया को बंद कर रहा हूं मैं। मशरिक में दोनों इम्पोर्टेंट है बट आई थिंक हया। एक का जवाब देना है। आई थिंक हया, आई थिंक सो हया। सो अलिफ हया को बंद किया जाए, इसका मतलब मगरिब में जितनी औरतें हैं जहां जहां रहती हैं सब पे हया है। ठीक है, आई थिंक जी जी, अब आपने कीपैड्स के जरिए जवाब देना है। जी आई थिंक, प्लीज आई थिंक हिना, शी थिंक्स हया। अब व्हाट कैन आई डू, अब हया और हिना के दरमियान कंपटीशन, व्हाट डू यू थिंक? हां भाई बताया, आपने जवाब गलत दिया है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूं। जी नहीं, मैं इस पर आपसे डिबेट करने को तैयार हूं, तो मैं आपसे डिबेट करने को तैयार। जी नहीं, हया जो है, हर दुल्हन जो है, दुल्हन चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, वो हया के जेवर के साथ होती है। लेकिन हर मगरबी औरत के मेहंदी नहीं लगाई जाती, लेकिन मशरिकी औरत में मेहंदी के गीत गाए जाते हैं। आप मुझे एक मिनट रुक जाए, डॉक्टर साहबा कहाँ पर मेहंदी होती है? आपने कभी लंदन में किसी पीटर रॉड्रिक्स के घर में मेहंदी की तकरीब देखी है? अगर उसके पास हया नहीं होगी सारी मेहंदी। नहीं नहीं, 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 ये सब ये डिबेटेबल नहीं है ना। देखिए ना, बात बेशरम की नहीं हो रही, बात ये है कि जो मशरिकी तसव्वुर दुल्हन का जो है वो है हिना, हया नहीं है। आप देखिए हया को इमेज में नहीं देख सकती। मेहंदी की तकरीब ईस्ट में होती है, वेस्ट में नहीं होती है। लेकिन दुल्हन तो ईस्ट वेस्ट सब जगह होती है। नहीं तो मतलब है कि दुल्हन जो बनेगी, कोई भी दुल्हन जो बनेगी वो एक मिनट हया से आ रही होगी, मगरिब की जो है हया तो सब में होगी। हम दुल्हन की बात कर रहे हैं, दुल्हन नहीं, दुल्हन की बात कर रहे हैं। दुल्हन जो है, देखिए हर एक का पर्दा रखना चाहिए। दुल्हन किसी के घर आ रही है और आप कह रही हैं उसमें हया ही नहीं होगी, बाकी सारी दुल्हनें दुनिया भर की बेहया हो गई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते। मगरिब में भी हया होती है, बिल्कुल होती है। मगरिब में भी हया होती है। सैकड़ों गाने तो आपने मेहंदियों पे बना लिए और उस पे नाचते भी सब लोग हैं, है जी, या नहीं होता? मेहंदी लगा के रखना, हमारी बहस तो हो गई, अब हम देखते हैं कि ऑडियंस ने क्या कहा। 66% हम रिजल्ट दिखा नहीं रहे थे, वोट फॉरन हो जाते हैं। 66% आप भी लूज कर गए और अब आपके पास फिर चांस बन गया है क्योंकि ये दोनों लूज कर गए। ठीक है जी, रेडी, प्लीज माइक में बोलिएगा जो बोलेंगे। क्या ये ख्याल दुरुस्त है कि इलेक्शन में रुपया दैश कर जीता जा सकता है? अलिफ लगाकर, बे लुटा कर। कम ऑन, मैं छोटा सा बंदा बड़ा हो गया हूँ, मुझे वोट देना खड़ा हो गया हूँ। इलेक्शन की वो लुटाकर है बीमारी, लुटाकर लुटाकर लुटाकर। यानी क्या ये ख्याल दुरुस्त है कि इलेक्शन में रुपया लुटाकर जीता जा सकता है? बे को बंद कर दो और ऑडियंस शुरू हो जाओ। इलेक्शन की मुझको हुई है बीमारी, बना हूँ मैं वोटों का छोटा शिकारी, सभी को है भैया बनाने की बारी। ओहो, लुट गए, हाँ लुट गए। ये आप आमिर भाई जब तक लुटाएंगे नहीं पैसा जीतेंगे कैसे? लुटाया कहीं और जाता है, वहां मत जाइयो बेटा, वहां मत जा, अभी तो बहुत छोटा है। अब्बा शायद कभी लुटा चुके होंगे लेकिन यहाँ लगाया जाएगा। लुटता कहीं और है पैसा, पता है कहाँ लुटता है? जाना मत कभी उस गली में, हैं? वक्फा लेने जा रही हूँ मैं, अभी तक आवाज आई नहीं है, ले ले। आ गई आवाज। डॉक्टर साहब जी, यहाँ लेना होगा एक वक्फा जी, आपने वक्फा कब लिया था? वक्फा दे लीजिए। आपने वक्फा कब लिया था? 7 साल पहले वक्फा लिया था मैंने, लेकिन हम अभी ले रहे हैं। और अब जो है आखिरी चांस है, दुआ यही करो कि ये दोनों हार जाएं तो फिर आपका कोई चांस बनेगा। जंग पजल के लिए, बॉडीगार्ड के लिए सवाल। सबकी आन सबकी जान, सबका एक भाई जान, आ गया है देखो बॉडीगार्ड का।
जरा दोबारा ताव देके दिखाइएगा जरा। वाह 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 वाह। सबकी आन सबकी शान का एक भाईजान आ गया है देखो बॉडी गार्ड का। सवाल देखिए स्क्रीन पर मेरी एसएमडी पर क्या आ रहा है। डॉलर की कीमत में कमी खुशाइंद है, हर देश से महंगाई में कमी होने की दुआएं खुदा करे कामयाब साबित हों। अलिफ तरा बे तर्ज जीम तर्फ कमर तरा हर तर्ज हर तरफ बे फॉर बीवी हाय हाय बे फॉर बीवी बे से बीवी नहीं बे फॉर बीवी बे फॉर बीवी और बे फॉर बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड ने कहा है बे तर्स तर्स को बंद करो। ऑडियंस कीप एट कीप एट। ऑडियंस बिल्कुल दुरुस्त है। ऑडियंस के लिए गुड जॉब गुड जॉब। कहा भी था जो हर लोग से हर तर्ज नहीं तर्ज जो है वो किसी किस्म को कहते हैं, यानी कोई किस्म हो तो तर्ज आएगी, यानी इस तर्ज पर ये काम हो इस तर्ज पर ये काम हो या इस तर्ज पर वो काम हो। डॉलर की जब कीमत हो रही है वो कमी खुश आई है, अब तर्ज पर महंगाई नहीं आई है, महंगाई हर तरफ से आई है और हर तरह की महंगाई भी नहीं होती है क्योंकि हर तरह की महंगाई में कहीं कमी होगी, कहीं कोई खरीद सकता है कोई नहीं खरीद सकता, किसी की कुव्वत खरीद में होगी किसी की कुव्वत खरीद में नहीं होगी। तो आप तर्फ कह रहे थे जी जनाब गड़बड़ हो गई। हाँ जी अब आ गए आपकी तरफ सवाल आ गए जी सवाल। एक दिन आएगा जब वक्त की रफ्तार भी टैश जाएगी, वह हिसाब का दिन होगा। अलिफ थक बे थम वेरी इजी वेरी इजी वेरी बे। ऑडियंस का जवाब मेरे ख्याल से दुरुस्त है क्योंकि वक्त थकता नहीं है, वक्त हमेशा थमता है। 79 well done. वक्त का जिस्म नहीं है, वक्त का वजूद नहीं है, वक्त चलता जरूर है लेकिन चूंकि वक्त एक वजूद नहीं रखता तो थक नहीं सकता, थम जाता है। और वक्त सबसे पहले थमा था जब हमारे रसूल मेराज पे तशरीफ लाए, थम गया। अच्छा जी अब आपकी तरफ आ जाते हैं और डॉक्टर जी से साहब अब देखो भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया कह रहे अब क्या फायदा डॉक्टर साहब जीत तो वो गए आपको क्या पता जवाब तो दो क्या पता कोई फायदा हो जाए क्या पता कुछ हो जाए। देखो परसेंटेज परसेंटेज भी काउंट होगी। आखिरी खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के हो गए यार डॉक्टर साहब रन्स तो बनाओ क्या फायदा है वो तो जीत गए। देखो अभी क्या आ रहा है सवाल डैश लोग भला छुपाए कब छुपते हैं डैश लोग बड़े और बुरे बड़े लोग के बुरे लोग बड़े लोग या बुरे लोग भला छुपाए कब छुपते हैं बे बुरे लोग बे बुरे लोग बे को बंद किया जाए। अच्छा हम अली मोहम्मद साहब से अगर पूछे तो अली मोहम्मद साहब आप क्या जवाब देंगे। मैं बुरे लोग बुरे लोग छुपाए छुपे नहीं छुपते। अच्छा जैसे मतलब पांच आम पड़े उनमें एक आम पड़ा खुदा का आम की जिक्र मत करना खुदा का वास्ता आम के जिक्र आम ही मिले कहने के लिए पर केले बोल दो यार सुन दो केले चले मैं मुझे कहना पड़ेगा आम खाएगा आम। हाँ जी बड़े या बुरे अब की रमजान में तुझे आम खिलाऊंगा मैं बड़े या बुरे बड़े। ऑडियंस कह रहे हैं बोरे 58% का जवाब है बुरे और ऑडियंस सही कह रहे बोरे। बुरे लोग भला छुपाए कब छुप सकते हैं कभी ना कभी जाहिर हो ही जाते हैं। आपने बिल्कुल पहले सारे जवाब भी आपको देने चाहिए माइक में बात कर। हाँ जी मतलब ये कि थोड़ा सा डाउटफुल था उसके अंदर वो इससे भी पूछ लेते छोटी सी गुड़िया से इन्होंने कहा था पहला जो था हैं पहले वाले का ये सही जवाब दे रही थी तो क्यों नहीं पूछा आप मासूम बच्चे मासूम होते हैं रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट नतीजा क्या निकला। सूफिया तालिब फातिमा रहमान एहसन तनवीर फातिमा रहमान जीत गई हैं।
तो फातिमा रहमान साहिबा, आप कौन सा ब्रीफ केस मुंतखब करना चाहेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, सिर्फ 8 है, 8 तक है, 1 से लेकर 8 तक। आमिर भाई थोड़ी सी और गाइडलाइन। ओह माय गॉड, तुम आमिर भाई को अपने घर ही ले जाओ ना, एक बार से सारे काम उसे करा लेना। सुबह बोलना आमिर भाई दही भी ला दीजिए, रोटियां भी ला दीजिए, गोश्त भी लेके आ जाइए, हम तैयार हैं, बता दो जाने को। जल्दी बताओ, चलो इन लोगों से पूछ लो, सब कह रहे हैं ज्यादातर 5, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 5। अबे लानत मत दिखाओ, 5 समझ गया, बुरी बात, 5 बोल दिया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, या तो 2 नंबर दिखा रहे हैं या तो 5 नंबर दिखा रहे हैं। चलो बोली लगाते, बोली लगाते, 7। नंबर का ब्रीफ केस बुझना बिक गया, 7 आप लाइए, 7 नंबर का ब्रीफ केस पहले मैं देखूंगा। साथ है कितना प्यारा, ये 7 बिना साथ है कितना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा, मिलन की लगन हमें आना पड़ेगा, दलों की तरफ से 25,000 रुपए कैश। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। आप अगर होते तो क्या नंबर चूज करते डॉक? मैं जी, मैं तो पांच लेता। 5 जुलाई को पैदा हुआ हूँ, पंजतन से मोहब्बत करता हूँ, तो मैं 5 लेता। आमिर भाई मैं 5 मार्च की पैदावार हूँ। है जी, आप क्या हैं? 5 मार्च की पैदावार। शो शुरू हुआ था 5 मार्च को। रेडी? देखते हैं लोग ये कर रहे थे ना, तो पता चल जाएगा अंदर क्या है। देखते हैं क्या है। पोलानी ट्रेवल्स का थाईलैंड में 5 रोजा कयाम। डॉक्टर साहब, यहाँ लेना होगा एक वक्फा, बराए मेहरबानी वक्फा ले लीजिए। किस आदमी के जख्मों पे नमक छिड़का जाता है जो वक्फे पे ही चल रहा है? नाम घर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, और ऑडियंस की तरफ आने से पहले हम आपके पास ऊपर आएँ, ज़रा 2 मुकाबले होने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमारी एक जेल है, उस जेल में बंद होना होगा, और एक है डांस पे चांस। ये अजीब व गरीब किस्म का मुकाबला है, इसमें ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और जब इसमें लाइट्स जलेंगी तो फिर आपके कदम भी चलेंगे, और जहां लाइट्स रुक गई वहीं आप रुक जाएंगे, वो आपका डांस है। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे कहां गया, ये रहा, ये है आपका चांस, फिर आप इसे घुमाएंगे, और जब ये दोनों नंबर मिलकर एक नंबर बनेंगे तो फिर हम आपको लेके जाएंगे इस तरफ, और फिर हम वो नंबर खुलवाएंगे, और नंबर जब खुलेगा तो जो कुछ भी होगा वो आपका होगा। इसमें गाड़ी भी है, 10 तोले सोना भी है, 5 लाख रुपए भी है, सब आपका। तो आप डांस वाली बात रेडी? अच्छा पहले नाम बता दो जल्दी जल्दी जी। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर सादिया वसीम। मोहम्मद आमिर सादिया वसीम जी जी। एंड ओवर हियर वी हैव हसन बिन तारिक। हसन बिन तारिक, सुकैना को तो मैं जानती हूँ। हाँ जी, 1, 2, 3 स्टार्ट, गो। Thank you.
कोशिश कीजिएगा वही मारो छलांग मारो आठ पे जल्दी यस आठ नंबर आपका है तशरीफ लाइए उधर ही आइए आइए अब इसको घुमाइए घुमाइए और अब ये सात नंबर पे रुका है हाउ लकी सात और आठ पंद्रह ठीक सात और आठ हुए 15 को यहां अच्छा, से मिले वाओ क्या है जी 5000 रुपीज कैश कर्टसी ऑफ स्टार मार्केटिंग 5000 रुपए कैश वाओ वेरी गुड टेक्नोलॉजी का कितना आला इस्तेमाल अच्छा वाह बंद हो गया जी अच्छा जी अब आपकी भी जरा थोड़ी वर्जिश करा लेते हैं आइए आइए और इन दोनों लड़कियों को मैं जेल में बंद करूंगा हाँ जी आठ से शुरू होंगे आप 1 2 3 स्टार्ट गो मगर यार बहुत जबरदस्त वेरी नाइस मोहम्मद आमिर साहब बड़ी हरकत है आपने बहुत ही अजीब और करीब बेचैन बोटी हैं आप आठ नंबर आइए 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 और आप लोग जरा इस तरफ हो जाइए और दोनों लड़कियां उधर जेल के पास जाइए जेल के पास जाएं हाँ जी जनाब घुमाइए किस्मत का पहिया रुक जाओ दस दस नो 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 आठ नो सिक्स छह और आठ कितने चौदह 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 नंबर का स्विच क्या करना पड़ेगा जो चौदह नंबर का स्विच सुपरस्टार की मोहम्मद आमिर साहब के लिए हाँ भाई युडले युडले यू आजा बैठ जा शाबाश स्टार्ट करो जिंदगी एक सफल है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ओ जिंदगी एक सफल है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना तो मुझे लगता है बहुत पुराना काम है यार क्या महारत से आप माशाल्लाह मोटरसाइकिल मौत के कुएं में चला सकते मोटरसाइकिल आप लेकिन बहुत अच्छी आपने मोटरसाइकिल भी चलाई है इस बात पर हम आपको स्टार मार्केटिंग की तरफ से 5000 रुपए और देते हैं हम आ जाइए आ जाइए आप दोनों आए इसमें मैं आपको बंद करूंगा और कोई नंबर मैं इसमें अपनी तरफ से तीन कोई नंबर होंगे जो मैं नंबर डालूंगा और ये ऑडियंस जानते हैं और आप जानते हैं इनको नहीं पता होगा कुछ इशारे मैं इनको बताऊंगा वो बूझ रहे होंगे अगर इन्होंने बूझ लिए तो फिर ये बाहर आएंगी और अपनी मर्जी की कोई भी पोटली ये ले सकती हैं इस पोटली में भी सोने के जेवरात हैं कैश 1,00,000 रुपये भी है 50,000 रुपये भी है बाइक भी मौजूद है गाड़ी भी मौजूद है बहुत कुछ है तो शाबाश इशारा मैं करूँ बताऊँगा मैं नंबर जो भी इधर और खबरदार जो
इधर इधर। हाँ जी, तो बंद करते हैं आपको हम आंखों के ऊपर हाथ। ये नंबर मैंने डाला है और अब मैं आपको कुछ इशारे देता हूँ, ठीक है जी? मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ, उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर कोई नहीं देखेगा, मेरी तरफ। पहला नंबर है एक बहुत बड़े खलीफा हैं और उनको फारूक आजम रजी अल्लाह तआला कहा जाता है। खिलाफत राशिद में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नंबर दबाना है, नंबर मुझसे पूछना नहीं, हाँ सोच समझ के, क्योंकि एक भी नंबर गलत दबाया तो आप हमेशा के लिए अंदर रह जाएंगे। हाँ, इतनी सोच समझ और अगर सही दबाए तो दो पोटलियां हैं, पता नहीं क्या निकलेगा उसमें से। ये दोनों तो ऐसे खड़े, क्लास में सजा दी गई है। हाँ जी, दबा दी। ओके, टू करेक्ट नंबर, पहला तो सही हो गया। अब एक और नंबर आ रहा है, वो नंबर ऐसा नंबर है कि जो कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम उस नाम के साथ, उस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। और वो नंबर ऐसा नंबर भी है कि जो क्रिकेट में नहीं हो सकता और बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम भी उस नंबर का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत अजीम शख्सियात उस नंबर का हिस्सा है, जब तक हाँ वो नंबर बनते ही उन शख्सियात की वजह से। अगर वो शख्सियात ना हो तो वो नंबर बन नहीं सकता और बाउंड्री पर वो नंबर होता नहीं। आ आ आ आ नहीं, नंबर दबाने। आ आ आ आ आ नो। फाइव। गुड गर्ल्स, गुड गर्ल्स, ऑसम। तो 2-5 आखिरी नंबर अगर आपने दबा दिया तो ये आखिरी ताला भी खुल जाएगा और आप बाहर होंगी और फिर जो भी आप लेना चाहें। डॉक, मैं आखिरी क्लू दे दूं? अच्छा दे आप आखिरी क्लू, आखिरी क्लू दे आप। सतरंगी में कितने रंग होते हैं? लिखो फिर। इसको कहते हैं जाहिल। निकलो जेल से। सब मिलके बोलो ये कौन है? जाहिल। इसको कहते हैं जाहिल। सतरंगी में कितने रंग होते हैं लिख के बता। I wanted to get them out of jail, तो ये पूछ ले सुर कितने होते हैं बता दो। वो भी बता दे। सारा देना पड़ता है। हाँ भाई पोटली बताओ, मैं लेके आऊंगा पोटली, यहीं से बताओ। अच्छा जी, पांच नंबर पोटली दो इधर ला भाई, पांच नंबर पोटली। दिल ने नहीं बोला डॉक्टर, आमिर के दिल से आप कह रहे हैं। पांच नंबर पोटली में 10,000 रुपए हैं। इस बार वाकिंग की तरफ से 10,000 रुपए पांच नंबर पोटली। मुझे ऐसा लगता है कि इस जीत में मेरा कोई हिस्सा होना चाहिए, है ना? और अब आपकी पोटली बता दें, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स, सिक्स नंबर पोटली, छह नंबर पोटली, पोटली 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 में है क्या? पोटली में है 20,000 रुपए का विंडो फोन। आदमी मुंतखब करूंगा मैं, खुद देखूंगा, मुझे देखने दो। हैप्पी होम स्कूल का बच्चा गायब है, निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा आपके अलावा कौन है? सुपरस्टार की बाइक मिलेगी, शोर करने वाले, नारे लगाने वाले, तुमने बहुत शोर किया है। जुपिटर मार्स, इसकी शक्ल हाय हाय, निजाम समझी का नजर लगेगा, निजाम समझी, डॉक्टर साहब जल्दी बताओ, निजाम समझी का सच जोड़ा सीखा, जुपिटर, इसको दी जाएगी सुपरस्टार की बाइक। जुपिटर इज द राइट आंसर। जल्दी जाओ, बाइक चलाओ, जाके जाओ, भागे जाओ, नहीं चलाने आती। अबे तू लड़का लड़की, क्या हुआ है? क्या हो गया? आती है तो जाओ ना, जाओ, गो, जाओ जल्दी जाके, किसी को साथ बिठाने, कोई ख्वाहिश है आखिरी? अच्छा हाँ,
तुम्हारे तो बाजू बहुत मोटे हैं, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर। इनसे पूछते हैं हमारी हड्डियों में कौन से दो अनासिर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 5,000 रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपए जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कैल्शियम, 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 कैल्शियम। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट तुम्हारी हड्डियों में है। कैल्शियम और फॉस्फोरस आपकी हड्डियां चमकती है क्या? प्रोटीन हड्डियों में, प्रोटीन। अल्लाह हू अकबर, हड्डियों में प्रोटीन। बताओ हड्डियों में क्या है? हड्डियों में क्या है? कैल्शियम एंड फ्लोराइड। फ्लोराइड, या अल्लाह, कैल्शियम एंड फ्लोराइड, फ्लोराइड। डाउ यूनिवर्सिटी के बच्चों, फॉस्फेट, फ्लोराइड। बाल देखो, कितने बाल, बाल, बाल देखो, बाल, ये कैसे बाल है? हाँ जी, कैल्शियम और फ्लोराइड। टूथपेस्ट खाते हो तुम? टूथपेस्ट तुम अपने घर के सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ जी, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। बोन मैरो, बोन मैरो, नहीं यार, नहीं सर, आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा सर? बोन मैरो, बोन मैरो, बोन, बोन मैरो, बोन मैरो। डॉक्टर साहब को मार रहे हो तुम लोग। बोन मैरो, ये मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम और आयरन, मैग्नीशियम आयरन हड्डियों में, हड्डियों में बोन मैरो, क्लोराइड, फास्फोरस, फास्फेट। तीन लोगों ने कहा फास्फेट, उससे भी आप लोगों ने 2+3 शिमर, विटामिन डी, विटामिन डी। या अल्लाह रहम फरमा दे, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी। तुम लोग कौन से ईयर के स्टूडेंट हो? डॉक्टर्स है, पानी ला के दो, पानी लाओ, जबान के नीचे रखने वाली गोली ला के दो, पानी दो, पानी दो। मिनरल, मिनरल बोल रहे हैं ये मिनरल, तुम सब मुझे कत्ल करने आए हो, तुम सब इकदाम कत्ल के मुल्ज़िम हो, ऑस्टियोसाइड, सुसाइड, पोटेशियम, पोटेशियम। एक मिली बेचारी, कैल्शियम एंड पोटेशियम। डॉक्टर्स को दूंगा मैं 50,000 रुपए नकद। फॉस्फोरस, मिनरल्स, बोन मैरो। तुम्हें 50,000 का लैपटॉप चाहिए या कैश? लैपटॉप, लैपटॉप चाहिए। 50,000 रुपए वाला लैपटॉप चलो का। अच्छा तुम जिस पे बैठे हो वो क्या है? अबे जिस मसल में बैठे हो क्या? ये ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर ये ना होता तो तू क्या करता? मैं सिट नहीं कर सकता था, है ना? शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुझे ग्लूटियस मैक्सिमस दिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बोलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे, कि उसने मुझे ग्लूटियस मैक्सिमस अदा किया है, मैक्सिमस अदा किया। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं खड़े खड़े सोता, खड़े खड़े सोता, जैसे घोड़े सोते हैं, जैसे घोड़े सोते हैं, क्योंकि उनका ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं होता, नहीं होता है, होता है, लेकिन बैठने के लिए नहीं होता। इनको दिया जाए सुपरस्टार की बात। आपके पास मैं आ गया, जो कहेंगे करेंगे, जो कहेंगे करेंगे, मैं जो कहूंगा वो करोगे। क्या कह रहे हो? एक बाइक के लिए यहाँ तक गिर जाएगा तू? सर गाड़ी, सर गाड़ी के लिए, एक बाइक के लिए, सर गाड़ी के लिए जोतेंगे ना? एक बाइक के लिए तू जो चाहूंगा करेगा? सर गाड़ी के लिए जोतेंगे, मैं तू है, गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए जोतेंगे, जो
चाहेंगे क्या? जो चाहेंगे आप करूंगा, जो चाहूंगा मैं। मतलब ऐसा भी नहीं सर, मीडिया ऑनलाइन। चलो चलो, बाइक आपको देंगे, बाइक देंगे आपको, ठीक है ना? आपने बाइक का जवाब देना जो भी आपसे पूछे। आपने सिर्फ एक काम करना है, कैमरा खरीद कर लीजिए। आप वादा करें मुझसे, बोले मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, पक्का वादा, पक्का वादा, नहीं जोर से बोलो, पक्का वादा, मैं पक्का वादा करता हूँ, बोलो मैं पक्का वादा करता हूँ, के मैं अपनी अपनी नाक के बाल काटूंगा, नाक बाहर नजर आ रहे, इसलिए कह रहा हूँ। दोबारा बोलो। सर मैं वादा करता हूँ, क्या मैं कल ही अपने नाते ये कली कली और कौन जमानत देगा इसकी? तारिक जमानत देना, ठीक है? अगर ये नाक के बाल काट लेगा तो इसे सुपरस्टार की बाइक मिलेगी, और आप इसकी नाक के बाल काटोगे तो आपको अभी मिलेगा। अभी कैसी मंगा? अभी काटेगा। एक मिनट रुक तो जाओ, आपकी आपकी क्या खड्डा मार्केट में हजाम की दुकान है? दोस्त के लिए बाइक ले, ठीक है, लेकिन खुदा के वास्ते आइंदा कभी अपने नाक के इतने बड़े हुए बाल लेके मत आना। बाइक मिल गई आपको, आपको लैपटॉप मिल गया। आइए, 2002 में बच्चों के लिए कौन सी जादुई फिल्म ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे? क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल नहीं, क्यों मोबाइल देंगे, क्यों मोबाइल अच्छा वाला, क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल? थ्री इडियट्स। क्यों है? थ्री इडियट्स। थ्री किड्स, थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स है बच्चों की, बच्चों की फिल्म। बच्चों की फिल्म थी, मूत्र वस्त्र बच्चों की फिल्म में किया जाता है, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर नहीं थी। एक जल्दी बताओ, जल्दी, हाँ एक फिल्म थी, क्यों मोबाइल मिलेगा, क्यों मोबाइल, उधर जाने दो, चलो आगे चलो, हाँ हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल, जल्दी से सारा, क्यों मोबाइल? लड़कियों को कुछ नहीं मिला। इस स्नूकर में किस रंग की गेंद के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं? हाँ जी, क्यों मोबाइल, लेग 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 लेग, दोनों कितने बोला, लेग लेग, तीनों को क्यों मोबाइल दिया जाए, तीनों को क्यों मोबाइल? मार्गरेट थैचर किस मुल्क की वजीर आजम थी तालिब साहब? मार्गरेट थैचर बर्तानिया, बर्तानिया की वजीर आजम थी, क्यों मोबाइल? हालिया G20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की क्यादत कौन कर रहा है? इंग्लैंड की क्यादत कौन कर रहा है? मॉर्गन, क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल? और एब्सन, एब्सन की चीजें लाओ, इससे पूछो। लिवाइस, दोहा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? दोहा, दोहा, कतर, 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 एब्सन की चीजें तीनों दे दो, तीनों दे दो इसे। अमेरिका में क्रिकेट से मिलता जुलता कौन सा खेल खेला जाता है जो अमेरिका का कौमी खेल भी हो? जल्दी बताओ, बेसबॉल, एब्सन का, जल्दी से किचन का बॉक्स और लेक्चर। डॉक्टर साहब, अब जियो पर ड्रामे का वक्त होने वाला है, शो खत्म करके कुछ तो आराम कर लीजिए। चले जी, आमतौर पर मकड़ी की कितनी टांगे होती है? जल्दी बताओ, मकड़ी की, हाँ मकड़ी की है, मकड़ी की चार टांगे होती है। अल्लाह, क्यों मोबाइल, क्यों मोबाइल, आज अब्दुल समद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी तरफ से हमें ये खूबसूरत लिबास मिला है। थैंक यू अब्दुल समद साहब। अगले प्रोग्राम के लिए जोरदार आवाज में पाकिस्तान नई नई है रोशनी, नई नई उमंग भी है, रंग भी तरंग भी, हंसी खुशी के संग भी, नई नई है रोशनी, नई नई उमंग भी।
इनाम घर इनाम घर इनाम घर इनाम घर।